everyone, welcome to the class. Today we will do the new chapter from your book Literary Journeys and English Reader Pre-Primer Book by Brain Root Series. ठीक है, तो हमारी बुक में अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूज ऑफ ही एंड शी. चलिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ही बोलते हैं ना, तो ही हमेशा बॉयज़ ग्रुप के लिए यूज़ होता है. आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, राइट, आपके अंकल, इन सब के लिए ही यूज़ होगा. अगर आप एक बॉय हैं तो आपके लिए ही यूज़ होगा. सो बॉयज़ के लिए हमेशा हम ही यूज़ करते हैं. और आपको ध्यान रखना है गर्ल्स के लिए, सारे जो गर्ल्स ग्रुप है जैसे आपकी मदर, ग्रैंड मदर, आंट, इन सब के लिए आप शी यूज़ करेंगे. सो फॉर ऑल द गर्ल्स वी यूज शी एंड फॉर ऑल बॉयज वी यूज ही. ओके, नाउ ही इज रोहित, ही इज अ बॉय, ही इज 5 years ओल्ड, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज माय फ्रेंड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज अ गुड बॉय. तो देखो रोहित क्या था, एक बॉय है ना रोहित, तो रोहित बॉय है, तो इसलिए हमने सारे सेंटेंसेस में ही यूज करा है. बॉयज के लिए ही यूज होगा. गर्ल देखेंगे हम, शी इज रायना, शी इज अ गर्ल, शी इज 5 years ओल्ड, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज माई फ्रेंड, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज अ गुड गर्ल. देखो सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, बस हमने शी चेंज करा. क्यों कर दिया बच्चों चेंज? क्योंकि हम गर्ल के लिए हमेशा शी यूज़ करते हैं. ठीक है, चलो नाउ आपको इन पिक्चर्स को देखना है और ही और शी लिखना है. डैश इज माय ग्रैंडपा, ही आएगा या शी? ग्रैंडपा तो एक मैन है ना, तो ही आएगा. ही इज माय ग्रैंडपा, ही लिखेंगे सब. नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज माय ग्रैंडमा, She is my grandma, because grandma girls group में है. She is a woman. Next is mother. She is my mother. Next, he is my father, because father तो एक man है ना, और मैंने आपको बताया था man, boys, इनके साथ हमेशा क्या use होगा बच्चों? इनके साथ हमेशा he use होगा. Dash is my brother. He is my brother. तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे. डैश इज माई आंट, शी इज माई आंट. डैश इज माई सिस्टर, सिस्टर एक गर्ल है ना, देखो गर्ल की फोटो बनी हुई है, तो ये शी आएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट डैश इज माई अंकल, सो ही इज माई अंकल, क्योंकि अंकल तो एक मैन है, मैन और बॉयज के लिए ही यूज होता है. चलिए अब आपके लिए ये एक्टिविटी है इन विच यू हैव टू पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट ही और शी. आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो पेस्ट करनी है और ही और शी लिखना है. पहले आपको अपने ग्रैंडपा की करनी है, राइट, आपके दादाजी की फ़ोटो करनी है, उनके लिए क्या आएगा? ही आएगा. फिर आपको अपनी ग्रैंडमा की फ़ोटो पेस्ट करनी है, उनके लिए क्या आएगा बच्चों? शी आएगा. फिर आपको अपने फादर की करनी है, उनके लिए क्या आएगा? ही आएगा, क्योंकि वो एक मैन है. आपको अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, आपको अपना खुद से लिखना है. अगर आप बॉय हैं तो आपको ही लिखना है, अगर आप गर्ल हैं तो आपको शी लिखना है. फिर आपको अपनी मदर की करनी है, उनके लिए क्या आएगी? शी लिखेंगे आप. फिर आपको अपने ब्रदर की पिक्चर पेस्ट करनी है, क्या आएगा यहाँ पे? ही आएगा ब्रदर के लिए. नेक्स्ट आपको अपने सिस्टर की, अपनी बहन की फ़ोटो पेस्ट करनी है, उनके लिए भी शी आएगा. ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है. चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट. नाउ टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.